हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो हम सभी लोगों ने टर्म वन की खूब जम के प्रिपरेशन किया था, आप लोग का पेपर भी ठीक ठाक गया है। आइए गाइस, आपसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें सबसे पहला सीरीज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर आपको मैं सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला चैप्टर आपके सिलेबस का है टर्म टू के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं? सबसे पहला टाइप है यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कितने तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं? आप सभी ने इस चैप्टर में देखा होगा, एक पूरा सीरीज होता है, वो सीरीज आप सभी को लर्न करना पड़ेगा कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनका वेवलेंथ रेंज क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उनका यूज क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये पूरा एक टेबल आपको अपनी अरिहंत की बुक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पर पूछा जाता है जिस तरह का, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस। कह रहे हैं कि चार्जेस के ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो भाई, किसी भी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जब वो चार्ज वाइब्रेट होता है या ऑसिलेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट होती है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्यारे बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है और वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो भी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है और यही काम चलता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और ये काम होने की वजह से एक वेव का प्रोड्यूस होता है, वेव का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। कह रहे व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईएम वेव्स। ये जो ईएम वेव्स होती है इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो प्यारे बच्चों, चार्जेस का वाइब्रेशन ही यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी है और आप सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में होती है तो वो वहां पर एनर्जी कैरी करती है अपने साथ साथ, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी कैरी करती है, यही दोनों यहां पर मेन सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या है, एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। कोई भी जो ऑसिलेट कर रहा होता है चार्ज, वो एक्सेलरेटेड चार्ज का एग्जांपल है एंड इट प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा प्यारे बच्चों? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, विच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड अब वापस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड सो ऑन। ये प्रोसेस ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट ईच अदर एज अ वेव। दोनों एक दूसरे को रीजनरेट करते रहते हैं जस्ट लाइक अ वेव विच प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर बात यह आई कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं यही यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी ईएम वेव के लिए, ठीक है। कभी भी पूछा जाए ईएम वेव के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो यही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है प्यारे बच्चों। अब आइए दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया। देखिए सीबीएसई 2018 में, व्हाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स। कह रहे हैं कि ये जो IR वेव्स होती है ना, इंफ्रारेड वेव्स, इनको हीट वेव्स भी क्यों कहा जाता है? देखो इसके पीछे का रीजन है, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करने के साथ साथ पूरे एटम को वाइब्रेट कर सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट कर पाता लेकिन एटम को वाइब्रेट ना कर पाता, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इंफ्रारेड वेव्स जो होती है इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज लोअर देन दोज ऑफ द विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट हमारी है जिसको हम देख पाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में आईआर वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। सो दे कैन वाइब्रेट नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बट ऑल्सो द एंटायर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस, उन सभी को ये वाइब्रेट कर सकता है। फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करता है, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? तो देखो भाई साहब, जहां भी वेव ट्रेवल करेगी वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है और अगर कोई वेव मान लो यू एनर्जी अपने साथ ट्रेवल कर रही है तो यू बाई सी हम करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैरीड बाई द
वेव, ठीक है। तो किसी भी ईएम वेव के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द वेव इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन स्पीड ऑफ द वेव, जो कि लाइट के बराबर है। क्लियर। अब देखिए यहां पर सभी लोग, आपको देखो इस बार पेपर कैसा है, सब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए मैंने ये भी दिखा दिया है कि इसी तरीके से भाई साहब लिखना, पूरा प्रॉपर लैंग्वेज बना करके आपको लिखना होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट्स लीनियर मोमेंटम एज इट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस। इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स अ टोटल एनर्जी यू, अगर वो टोटल एनर्जी यू ट्रांसफर करता है किसी टी टाइम में, तब जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा उसका फार्मूला है यू बाई सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये जो स्पीड है वो किसकी हो जाती है, लाइट की, दैट इज 3 × 10⁸, अगर लाइट की बात कर रहे हो। कोई और पार्ट है जिसका स्पीड थोड़ा अलग है तो हम वो वाला स्पीड यहां पर रखेंगे उठा करके। क्लियर है गाइस। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी अरिहन पब्लिकेशन की बुक से है ना, बहुत ही बढ़िया बुक है ना। सबसे पहले इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया है, फिर इस पर पूरा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है, एमसीक्यू भी है, सब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, और मैं वो आपको क्वेश्चंस यहां पर करा रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमको वेव्स आइडेंटिफाई करनी है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 8 पर, ठीक है। अपने बुक का पेज नंबर 8 ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ वेरी एज 10⁻¹² मीटर टू 10⁻¹⁸ मीटर। देखो ये हमको वेवलेंथ का बेटा रेंज गिवन है और हमको बताना है कि ये किस तरह का वेव है, तो ऐसे में आपको वो टेबल जो है ना, वो टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये जो हमको वेवलेंथ का रेंज गिवन है, ठीक, दैट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्सरे। किसके लिए है ये? एक्सरे के लिए है, और हमसे बोला गया उसका यूज भी बता दो। तो क्रिस्टलोग्राफी में हम लोग एक्सरेज का यूज कर सकते हैं, मेडिकल पर्पस में भी हम लोग एक्सरेज का यूज करते हैं ना, आपको पता होगा। उसके बाद अगर दिया है 10⁻³ से 10⁻¹ वेवलेंथ रेंज, तो इसके बारे में देखो ये कौन सा है, ये हमारी माइक्रोवेव्स है, जिसको आप हीट वेव्स भी कहते हो, माइक्रोवेव ओवन में हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये माइक्रोवेव ओवन में आप यूज करेंगे फॉर कुकिंग पर्पस। क्लियर। यहां से अब आपका एक शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखो कवर होना शुरू हो गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है किस तरह का वेव है, तो माइक्रोवेव है। कहां यूज करोगे? कुकिंग पर्पस में, माइक्रोवेव ओवन में यूज करेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में। क्लियर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इनकी वेवलेंथ्स को अरेंज करना है। तो माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, गामा रेज हैं। कह रहे राइट वन यूज ईच ऑफ एनी टू ऑफ देम, इनमें से किसी दो का एक एक यूज आप हमको बता दो। तो सबसे पहले तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो वेवलेंथ के हिसाब से। तो अगर हम लोग वेवलेंथ के हिसाब से देखेंगे बेटा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? माइक्रोवेव्स का है। उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स का है IR, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का आता है, और सबसे कम वेवलेंथ किसका है? गामा रेज का है। यूजेस में आ जाओ, माइक्रोवेव्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो अभी हमने पढ़ा था हीट वेव्स है भाई, माइक्रोवेव ओवन में तो यूज कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो यूज इन रडार डिवाइसेस, है ना, रडार डिवाइसेस जितनी होती है उनमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। गामा रेज की अगर हम लोग बात करें तो गामा रेज जो होती है वो रेडियोथेरेपी में यूज होती है। देखो गामा क्या है? अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा और गामा रेज जो होती है ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है ना, तो इनका जो यूज है वो रेडियोथेरेपी में किया जाता है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो लगातार, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। नेम द कंस्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन स्टडीइंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ईच। अब फिर से वही बात आ गई कि ये हमको एप्लीकेशंस दिए हैं, आपसे कह रहा वेव कौन सा है और उसका अपना फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है। तो देखो भाई, अगर हम लोग एयरक्राफ्ट नेविगेशन की बात करें तो उसमें कौन सा वेव यूज होता है बेटा? माइक्रोवेव्स। कौन सा यूज होता है?
माइक्रोवेव्स यूज होता है और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 10^9 Hz to 10^12 Hz। ये आप सभी को लर्न करना पड़ेगा। वो एक पूरा टेबल अगर आप लर्न कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस श्योर आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस तरह के। एक्सरेज की अगर हम लोग बात करें तो इट इज यूज फॉर स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्सरे का काम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, उसी को भी कहा गया था क्रिस्टलोग्राफी, है ना। तो क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक्सरेज का यूज करते हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप चेक कर लो 10^16 Hz से 10^20 Hz तक फ्रीक्वेंसी रेंज एक्सरे का हो सकता है। तो माइक्रोवेव से ज्यादा ही है एक्सरे का फ्रीक्वेंसी रेंज, क्लियर है। अभी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद देयर फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोड्यूस्ड इन सम रेडियो एक्टिव डिके। कह रहे हैं रेडियो एक्टिव डिके में कौन सा यूज हो सकता है, स्पार्क्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, वेल्डिंग के समय जो स्पार्क्स होते हैं ना उनमें कौन सा वेव हो सकता है, ठीक है। और टीवी का जो रिमोट है वो किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करता है। तो देखो बेटा, अगर हम लोग रेडियो एक्टिव डिके की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गामा रेज होती है, गामा रेज जो होती है वो रेडियो एक्टिव डिके में यूज होती है। सो उनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 3 × 10^18 Hz to 5 × 10^22 Hz, क्लियर। अल्ट्रा वायलेट रेज की अगर हम लोग बात करें, देखो यहां पर स्पार्क्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जब वेल्डिंग हो रही होती है तो आपने देखा होगा ना जो वेल्डिंग कर रहा होता है वो भी चश्मा लगा लेता है और हम लोग भी डायरेक्टली वेल्डिंग वाले उस स्पार्क्स को नहीं देखते, क्योंकि वो कैसी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो हम लोग के लिए हार्मफुल भी होती है, यूवी रेज। उनका फ्रीक्वेंसी रेंज है 10^14 Hz से लेकर के 10^16 Hz तक, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा। टीवी का जो रिमोट होता है वो रेडियो वेव्स का यूज करता है और रेडियो वेव्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी है 54 MHz, मेगा मतलब 10^6, है ना। तो 54 MHz to 890 MHz, क्लियर है, ये इसका रेंज होता है। ये आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस लर्न करने पड़ेंगे। देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहां पर मैंने उठा लिए। वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपके पास मेजर इस चैप्टर में क्या बचता है, यही टेबल। ये टेबल अच्छे से पढ़ो, एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक, मोमेंटम कैसे निकालते हैं उसको पढ़ो, इक्वेशंस होती है ईएम वेव्स उसके बारे में पढ़ो। तो ये सभी वैरायटी मैंने इस लेक्चर में कवर कर रखा है। इस 90 मिनट में आप समझ लो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका 100% क्लियर हो जाने वाला है, क्लियर। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। विच सेगमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, हाउ आर दीज वेव्स प्रोड्यूस्ड, कैसे वो वेव्स प्रोड्यूस होती है, गिव वन यूज ऑफ दीज वेव्स, इस तरह की वेव्स का एक यूज बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया, चाहते तो डायरेक्टली नाम दे सकते थे लेकिन नाम नहीं दिया गया, आपको बोला गया कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है और आप उनका यूज बताइए। तो देखो थ्योरेटिकल है, गामा रेज है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। दीज रेज आर ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एंड आर प्रोड्यूस इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियाई। आप ही लोग के सिलेबस में अभी एक चैप्टर आएगा न्यूक्लियाई जिसमें आप रेडियो एक्टिव डिके पढ़ेंगे। तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो डिके होकर के अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस करते हैं। तो ये कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और न्यूक्लियाई एंड इन द डिके ऑफ सर्टेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कुछ ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जहां पर इनका प्रोडक्शन होता है जिसके डिके में, दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। अब गामा रेज का यूज क्या है, तो कैंसर्स में और ट्यूमर्स में हम लोग इसका मेन यूज कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कहां पर आप इसका एप्लीकेशन यूज करोगे, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, विच ईएम वेव लाई नियर हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो ऊपर पूछा गया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहां पर पूछ रहे हैं कि जो विजिबल पार्ट है
जिसको हम देख पाते हैं उसमें जो एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी वाला है वो कौन सा वेव है, गिव इट्स वन यूज, इन व्हाट वेज दिस कंपोनेंट ऑफ द लाइट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमंस। अब क्योंकि हार्मफुल इफेक्ट की बात कर दी गई है तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा है ना। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज की यहां पर बात हो रही है, जो हमको दिखाई पड़ती है, हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। ठीक, दीज रेज आर यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ, फूड के प्रिजर्वेशन में बेटा यूवी रेज का यूज किया जाता है। तो कई सारे जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह फूड पर अगर जनरेट हो रहे हैं तो यूवी रेज का यूज करके उनको रिमूव किया जाता है, उनको डेड किया जाता है या उनकी एक्टिविटी को स्लो कर दिया जाता है कि वो ग्रोथ ना कर पाए। अगर वो ग्रोथ नहीं करेंगे तो फूड प्रोडक्ट जो भी होगा उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। जितने भी आप फूड प्रोडक्ट्स खाते हो सभी में प्रिजर्वेशन यूज किया जाता है, पैकेज्ड फूड जितने भी होते हैं सब में। क्लियर, अब आइए आगे बढ़ते हैं। द हार्मफुल इफेक्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड इंक्लूड premature aging of the skin, suppression of the immune system, damage to the eyes and skin cancer. तो ये जो UV rays होती है हम लोग के लिए तो हर तरफ से भाई harmful है, skin के लिए भी, हमारी eyes के लिए भी और body parts में cancer भी ये produce कर सकता है, skin cancer। ठीक है, aging इससे जल्दी हो सकती है। ठीक, तो ये सारे इसके harmful effects हो गए। ठीक है, अब आइए next question देखते हैं। कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शो बाय गिविंग अ सिंपल एग्जांपल हाउ ईएम वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। कह रहे हैं कि शो करो कि जो ईएम वेव्स हैं वो एनर्जी और मोमेंटम अपने साथ में कैरी करती है। देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, तो यहाँ पर थ्योरी लैंग्वेज काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। इसी तरह के इस पर क्वेश्चंस आपसे सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरीके से लैंग्वेज इन्वॉल्व करके आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये था कि भाई इस चीज को आप शो करो कि जो ईएम वेव है वो मोमेंटम और एनर्जी अपने साथ में कैरी करता है। सो गाइज कंसीडर अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एक प्लेन कंसीडर करो। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेन विल बी सेट इन मोशन बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे हैं कि अगर आप कोई एक प्लेन उस वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप कोई एक ऐसा प्लेन कंसीडर करते हो, उस पर कोई चार्ज रखोगे तो वो चार्ज वाइब्रेशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों हैं। इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ईएम वेव कंस्टिट्यूट्स एनर्जी एंड मोमेंटम। Thus, this illustrates that EM wave carry energy and momentum. देखो एनर्जी और मोमेंटम का मतलब तभी समझ में आएगा जब कोई पार्टिकल कुछ ना कुछ मोशन शो करे, मोमेंटम शो करे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आप किसी EM wave के रास्ते में कोई चार्ज अगर रख सकते हो तो रखो, रख करके आप देखोगे कि वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो यहां से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। सेकेंड पार्ट है, How are microwaves produced? Microwaves कैसे produce होती हैं? Why is it necessary in the microwaves oven to select the frequency of the microwaves to match the resonant frequency of the water molecules? कह रहे हैं कि जो microwave oven, अगर आपके घर में microwave oven है तो आपको पता होगा different frequency ranges set किए जाते हैं different different products के लिए to match the resonant frequency of the water मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो ऐसा क्यों होता है, माइक्रोवेव्स जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब लाइक क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड। ठीक है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं। तो आपका मन है आप इसके नाम लिखो, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव इज सेलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल सो दैट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इफिशियंटली टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जब आप रेजोनेंस करा दोगे, देखो अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था, रेजोनेंस जहां भी होता है एनर्जी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर, तो यहां पर भी अगर हमने रेजोनेंस करा दिया, मतलब अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है फूड प्रोडक्ट के अंदर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी से इधर इस माइक्रोवेव अवन की फ्रीक्वेंसी को अगर हमने मैच करा दिया
तो रेजोनेंस हो जाएगा, एनर्जी का एम्पलीट्यूड बेटा बढ़ जाएगा, और अगर एनर्जी बढ़ गई तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जाएगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, मतलब उनके टेम्परेचर को भी बढ़ाएगी। हेंस फैसिलिटेटिंग द फूड टू कुक प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो जल्दी से प्रॉपरली क्विक हो जाएगा, और किसी भी ओवन में जो हीटिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, वो सब्सटेंस के अंदर से हीट करना शुरू करता है और सब्सटेंस को बाहर तक हीट करता है। जबकि नॉर्मली जो हम लोग अगर गैस चूल्हे पर अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट रखते हैं और हीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध है, दूध को जब आप गर्म करते हो किसी कंटेनर में रखकर, आपने किसी गैस पर रख दिया चूल्हे पर, ठीक, तो क्या होगा, नीचे से आप उसको फायर दे रहे हो तो नीचे से हीट जनरेट होना शुरू होता है, पहले वो कंटेनर हीट होता है, फिर सबसे नीचे वाला जो वाटर होगा या मिल्क होगा वो हीट होगा, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ फिर बढ़ता चला जाएगा, तब हीट जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कन्वेक्शन के बारे में कि मॉलिक्यूल्स जो है जब हीट होंगे, डेंसिटी कम होगी तो ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे, तो इस तरीके से हीट होगा। लेकिन माइक्रोवेव ओवन का प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है, ये क्या करता है, फूड प्रोडक्ट के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनको पकड़ता है, उनको एनर्जी देता है और उनको इतना ज्यादा वाइब्रेट कराता है कि उस वाइब्रेशन के कारण वहां पर हीट डेवलप होने लगता है और वो सब्सटेंस अंदर से हीट होना शुरू हो जाता है। ये माइक्रोवेव ओवन की खास प्रॉपर्टी है और वो यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड करता है। राइट, टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द इंफ्रारेड वेव्स, कह रहे हैं जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनके दो यूज बताओ। तो इंफ्रारेड वेव्स में इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के, एंड थेरेपी टू हील मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन में भी हम इंफ्रारेड वेव्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हीट वेव्स होती है तो वहां पर थेरेपी में भी यूज हो सकता है, ठीक है, मस्कुलर पेन में और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के लिए भी। टू इन रिमोट कंट्रोल ऑफ द टीवी, वीसीआर एक्सेट्रा में भी आईआर रेज को यूज कर सकते हैं, रेडियो वेव्स भी यूज की जाती हैं और आईआर वेव्स भी यूज वहां पर की जाती है। क्लियर है गाइस? अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, फिर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आप आंसर बता दो भाई साहब। नेम द ईएम वेव्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज, कह रहे हैं कैंसर में कौन सा आप यूज करोगे, तो गामा रेज आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ द कैंसर, इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज 3 × 10⁻¹⁹ हर्ट्ज टू 5 × 10⁻²⁰ हर्ट्ज। क्लियर, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया, गामा रेज का यूज हम कैंसर ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। थिन ओजोन लेयर इज Thin ozone layer on the top of stratosphere is crucial for human survival. Why? कह रहे हैं कि वो क्यों ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो आप सबको पता होगा, बचपन से आप पढ़ रहे हो कि ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोकती है, और अगर ये ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो इतना ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर अर्थ तक आने लगेंगी कि उससे जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे सभी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, कैंसर ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, तो ओवरऑल वो विनाश का कारण बनेगा, ठीक। तो फिलहाल यहां पर देखिए क्या लिखा है, द थिन ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी से बचाने के लिए वहां पर उसका यूज होता है। तो UVA, UVB, UVC radiations which can destroy the life system on the earth, है ना? Why is the amount of the momentum transferred by the EM wave incident on the surface so small? कह रहे हैं कि जो momentum transfer होता है surface पर EM wave की वजह से इतना छोटा क्यों होता है? तो बेटा momentum का जो formula हमारे पास है अभी मैंने आपको बताया था, that is energy transferred per unit speed. ठीक, एनर्जी अपॉन स्पीड, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है अगर हम देखें तो एच न्यू, क्लियर, तो ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया एच न्यू अपॉन सी के बराबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोमेंटम का जो रेंज है वो 10⁻¹⁹ से 10⁻¹⁵ के रेंज में आता है, बहुत छोटा आता है। यही रीजन है क्योंकि भाई देखो स्पीड ऑफ लाइट से आप डिवाइड कर रहे हो जो कि एक बड़ी वैल्यू होती है। यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है एच सी बाई लेमडा, है ना, C by lambda होता है फ्रीक्वेंसी, ये भी वैल्यू बहुत छोटी है, न्यूमरेटर भी छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ओवरऑल ये जो रेशियो है ये बहुत छोटा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मोमेंटम जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल।
क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेट क्लियरली हाउ अ माइक्रोवेव ओवन वर्क्स टू हीट अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हाई आर माइक्रोवेव्स फाउंड यूजफुल फॉर द रॉ सिस्टम्स इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। अब देखो दो तरह की चीजों की बात किया है। फूड प्रोडक्ट में कैसे काम करता है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया अभी पीछे एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है एयरक्राफ्ट सिस्टम में क्या यूज है। देखो माइक्रोवेव जो होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडियो वेव्स है। माइक्रोवेव्स क्या है? दे आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज में इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ दे हैव हाई पेनेट्रेटिंग पावर, ठीक है। ये जो माइक्रोवेव्स हैं इनकी पेनेट्रेशन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत कम है। एंड लेस डिफ्रैक्शन इन द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। इसका जो डिफ्रैक्शन है वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स में बहुत बहुत कम होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई वेव किसी सॉलिड के कॉर्नर से पास हो तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है। बाकी अभी जब डिफ्रैक्शन वाला चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स में तो हम लोग वहां पर इसके बारे में और डेप्थ में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ जाओ क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो कम है इसलिए उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है और उसका डिफ्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है। सो दीज वेव्स आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम्स यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। रडार में इसका मेन यूज होता है माइक्रोवेव्स का, ठीक है। बाकी फूड प्रोडक्ट में क्या है मैंने आपको बता दिया था कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को टारगेट करता है, उनकी एनर्जी बढ़ाता है, उनका वाइब्रेशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है और सब्सटेंस को अंदर से वो हीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेम द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम्स इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। अब देखो सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपने पढ़ रखा है तो आपको इसका आंसर पता है। फिर कह रहे हैं यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था। मस्कुलर स्ट्रेन में कौन सी वेव्स यूज होती हैं भाई? यूज एज डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टूल के रूप में मेडिसिन में जो यूज होता है। राइट इन ब्रीफ हाउ दीज वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैसे आप इन वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। देखो क्वेश्चंस को वही जो टेबल है ना उसी टेबल के बेसिस पर क्वेश्चंस को बनाया गया। आपसे कई बार कि पूछेंगे कि इस तरीके के सिस्टम में कौन सा वेव यूज हो रहा है, क्या उसका वेवलेंथ है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, कैसे प्रोड्यूस होगा। यही चार क्वेश्चंस है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यूज क्या है और प्रोड्यूस कैसे होता है, यही चार क्वेश्चंस है। इन्हीं को बस घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं कि रडार सिस्टम में हम लोग किसको यूज करते हैं भाई साहब? माइक्रोवेव्स को हम लोग यूज करते हैं रडार सिस्टम में, ठीक है। दैट आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। इसके बारे में तो अभी आपको डिटेल में बताया गया कि कुछ वैक्यूम के ट्यूब्स होते हैं मैग्नेटोट्रॉन वगैरह, ठीक है। तो यही उसी का नाम यहाँ पर दे दिया गया है, गन डायोड्स, मैग्नेट्रॉन और क्लेस्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें बताई जा रही है लेकिन ये नाम ऐसा लिखना बहुत ज्यादा आपको जरूरी नहीं है। फिर आपसे बोला गया था कि मस्कुलर स्ट्रेन यानी पेन में कौन सा यूज करते हो, तो हीट वेव्स यानी कि इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आईआर रेज कहां से बनेगी? हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल्स से बनती है। फिर हमसे कहा गया है यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, मेडिसिन में कौन सा यूज करोगे? तो मेडिसिन में आप सबको पता है एक्सरे सभी ने कभी ना कभी कराया होगा या नहीं कराया होगा तो देखा तो जरूर होगा। एक्सरेज आर यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसिन। दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड सडनली। देखो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा था, उसको सडनली स्टॉप कर दिया गया ऑन अ मेटल ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाईली हाई एनर्जी से हाई वेलोसिटी वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो आ रहा था, उसको सडनली यहां पर रोका गया किसी हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल के थ्रू, तो वहां पर आपका एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये सबसे पहली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस था जिसमें नेम्स ऑफ ईएम वेव्स बताए गए, है ना। कितने तरह के ईएम वेव्स हो सकते हैं, क्या यूज है, कौन हार्मफुल है, क्या वेवलेंथ, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या प्रोडक्शन, सारी चीजें, ठीक। इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा आपसे आपके एग्जाम में, एक से दो क्वेश्चन 100% आपको मिलना तय है। फिर अगला देखिए स्पीड ऑफ द ईएम वेव्स। कोई भी जो ईएम वेव होती है प्यारे बच्चों उनकी स्पीड क्या है,
ठीक, देखो भाई, अब क्वेश्चन हमसे बोला गया, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जा रहा है. व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स. ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ. देखो भाई, अगर कोई वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक्स और वाई में रहा होगा. ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है. उसका नेचर कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हूं, मैं अगर इधर की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक, मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और ये दो वाइब्रेशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, बात को समझना है ना. ये वाइब्रेशन किस चीज का है, ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है. ठीक, ये मान लो आप किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है. क्लियर, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर, इस तरीके का वाइब्रेशन होता है. और अगर वेव जा रही है तो ओवरऑल पिक्चर आप समझिएगा ऐसी होती है, ऐसे ऐसे. ये देखो वेव आगे बढ़ रही है भाई साहब, वेव बढ़ रही है. ठीक, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन भी हो रहा है. यही नेचर होता है बेटा. तो अगर वेव जेड में जा रहा है तो आप समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है दैट विल बी अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शंस. फिर कह रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ बता दो. अरे भाई सिंपल है ना, आप यहां पर v बराबर f लैम्डा आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी वेव के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. तो आप सीधे सीधे उसको उठाकर यूज करो. वेवलेंथ निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी. स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸. फ्रीक्वेंसी हमको गिवन थी 30 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁶. रख दो, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर. वेवलेंथ आ गया 10 मीटर. ठीक, और बाकी मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में तो समझा ही दिया. क्लियर है. फिर अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ m/s. फाइंड इट्स वेलोसिटी इन द मीडियम हैविंग रिलेटिव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटीज एज 2 and 1 रिस्पेक्टिवली. देखो आपसे कह रहे हैं कि अगर वैक्यूम में हमको स्पीड पता है 3 × 10⁸ m/s, तो आप उस मीडियम में बताओ. तो देखो किसी भी मीडियम में स्पीड का फार्मूला बेटा क्या होता है, दैट इज लाइक दिस. किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड का फार्मूला है सी अपॉन अंडर रूट रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी. क्लियर, ये इस फार्मूले को फॉलो करता है. और आप सीधे सीधे यहां पर वैल्यूज को रख करके सॉल्व कर सकते हैं. 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई अंडर रूट, आपको बोला गया रिलेटिव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सब दिया है, दैट इज 2 × 1. तो ये बन जाएगा आपका 3 upon √2 × 10⁸ m/s. इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर. तो देखो इसको सॉल्व किया गया यहां पर पूरी तरीके से. ठीक, ये फार्मूला लगाया गया और वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू 3 upon √2 × 10⁸ m/s. आप चाहो तो रूट टू की वैल्यू रखो 1.414, उसको पूरा डिवाइड करके अपना आंसर दे दो. ठीक, सो दैट विल बी योर फुल आंसर. अब अगला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, एनर्जी ऑफ द ईएम वेव्स. ये जो ईएम वेव्स हैं इनकी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है. आइए देखते हैं एनर्जी पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपके. देखो ये सारे क्वेश्चंस बेटा मैंने आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक से लिया है, बहुत ही बढ़िया बुक है. इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4 of short questions, page number 7. ठीक है, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4. कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू ई नॉट यानी 50 sin ωt − x/c. फाइंड द एनर्जी कंटेन्ड बाई अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 cm² एंड लेंथ 50 cm along the x-axis. देखो बेटा, अगर हम लोग यहां एनर्जी की बात करें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या है. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला होता है
UE, जिसको आप एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हो, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट? ऐसा होता है. इसका यूज भी हम लोगों ने किया था अगर आपको याद हो तो, एलसी ऑसिलेशंस में, ठीक. तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है बेटा. और अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ. आपको देखो एरिया पता है, आपको लेंथ भी पता है, दोनों मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम आ जाएगा. और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर भी पता है, सारी चीजें पता है. सिर्फ आप अपने उस प्रॉपर सिस्टम में रखो एमकेएस में और फिर सॉल्व कर लो. ये सेंटीमीटर दिया है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है. तो आ जाओ मैं आपको कैलकुलेशन भी ये देखो शो कर दे रहा हूं. एनर्जी जो होती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, तो एल का मल्टीप्लाई कर दिया. आप देख लो हाफ एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू गिवन है 8.86 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था 50, ठीक. एरिया और लेंथ को आप चेक कर लो, एमकेएस में कन्वर्ट करके हम लोगों ने सब मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा आ गया 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल. क्लियर है? अब आइए गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया इसी कॉन्सेप्ट पर, बेस्ड एनर्जी पर. फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 90 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द लेजर बीम ऑपरेटिंग एट 6 मेगावाट. ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड बता दो 90 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ लेजर बीम ऑपरेटिंग एट 6 मेगावाट. अगर हमको मेगावाट यानी कि अगर हमको पावर पता है और हमसे एनर्जी पूछा जा रहा है, तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं भाई? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम. पावर हमको पता है मेगावाट में या मिलीवाट में, ठीक. तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? टाइम से. आइए देखते हैं. देखो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. पावर कितना था? 6 मिलीवाट है. देखो मेगा होता तो कैपिटल एम होता, तो मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3. टाइम हमको निकालना पड़ेगा कि भाई कितना टाइम लगा. टाइम कैसे निकालोगे? उसके लिए हमको यहां पर क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस अगर है 90 सेंटीमीटर, स्पीड आपको पता है, ठीक है. अगर हम ईएम वेव की बात कर रहे हैं तो स्पीड तो हम वही लेंगे ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसको हमने सॉल्व किया तो पता चला अपने पास टाइम आ गया 3 × 10⁻¹ सेकेंड. वो टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितना एनर्जी उस रीजन में कंटेंड है. सो वी विल हैव द एनर्जी स्टोर्ड इन द 90 सेंटीमीटर लेंथ. क्लियर है? ये पावर का यूज हो गया. फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिस. देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिट अगर आप ध्यान से देख लो तो पावर अपन एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. दैट इज द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट. हमसे बोला गया एम्पलीट्यूड बता दो. तो भाई इस चीज को जरा समझो, कॉन्सेप्ट को. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला क्या है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो कि था एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई द स्पीड ऑफ लाइट. यानी कि I इज इक्वल टू यू इंटू सी, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ द लाइट. जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा. देखो इंटेंसिटी हमको पता था 17.7, हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और स्पीड ऑफ लाइट आप सबको बहुत अच्छे से पता है. सॉल्व करोगे तो यही से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. कितना मिलेगा? 2/√3 × 10⁻²⁺ वोल्ट पर मीटर. फिर कह रहे हैं देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस. यही जो है उसका एम्पलीट्यूड है. ई नॉट ही तो एम्पलीट्यूड होता है फॉर्मूले में जो आता है. अब अगला जो टाइप का क्वेश्चन यहां पर आ सकता है दैट इज बेस्ड ऑन रेडिएशन प्रेशर. है ना कि रेडिएशन प्रेशर क्या है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे हमसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है. इवन दो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सर्ट्स अ फोर्स क्यू ई ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, येट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट कंट्रीब्यूट टू रेडिएशन प्रेशर बट ट्रांसफर्स एनर्जी एक्सपे. कह रहे हैं कि किसी भी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उस पर फोर्स लगता है. तो हमने कहा यस सर बिल्कुल लगता है, क्यू ई.
ठीक, लेकिन आपसे कह रहे हैं फोर्स लगने के बाद भी वो रेडिएशन प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्यों बेटा? देखो यहां पर चार्ज पर जब भी फोर्स लगेगा, क्योंकि फील्ड ऑसिलेटिंग है तो फोर्स भी ऑसिलेटिंग होता है, ठीक। ऑसिलेटिंग फोर्स का जब हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं, एक साइकिल के लिए जब एवरेज निकाला जाता है तो वो एवरेज कितना आ जाता है? जीरो, ठीक। तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट जो प्रेशर क्रिएट होता है वो नहीं बन पाता, वो जीरो हो जाता है, इसीलिए वो रेडिएशन प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करता। फोर्स लगने के बाद भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है, यही इसका मेन रीजन है। तो देखो लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ईएम वेव इज एन ऑसिलेटिंग फील्ड। कैसी फील्ड होती है? ऑसिलेटिंग फील्ड होती है विच कॉजेस फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल्स। फोर्स तो लगा क्यों ही, बट वो ऑसिलेटिंग नेचर का है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज्ड ओवर एन इंटीग्रल नंबर ऑफ साइकल्स इज जीरो। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जब हम एवरेज करते हैं एक साइकिल के लिए या इंटीग्रल नंबर ऑफ साइकल्स के लिए, तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आती है? जीरो आती है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंजेस विद एवरी हाफ साइकिल। हर हाफ साइकिल में इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। हाफ साइकिल का मतलब वाइब्रेशन को केवल आप समझ जाओ, अगर मान लो यहां से वाइब्रेट करना शुरू कर रहा है एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो ऐसे गया, देखो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अब वापस आया, फिर यहां पर देखो चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे हर आधी साइकिल होने पर वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएशन प्रेशर, ठीक, वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन है, शो दैट रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाई एन ईएम वेव ऑफ इंटेंसिटी आई ऑन द सरफेस केप्ट इन वैक्यूम इज आई बाई सी। कह रहे हैं कि शो करिए कि जो रेडिएशन प्रेशर है वो आई अपॉन सी के बराबर होता है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपॉन सी के बराबर होता है, ठीक। कैसे पता चलेगा? देखो भाई प्रेशर अगर हमें निकालना है तो वो फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं लाइक दिस। मोमेंटम के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि जो टोटल एनर्जी यहां पर होती है दैट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो जैसे ही आपने रखा तो पता चला कि ये जो डेल्टा पी है ये डेल्टा पी आ गया यू बाई सी, और ये यू बाई सी उठाकर आप यहां पर रखो यहां की, ठीक। तो ये देखो यू बाई सी आपका क्या हो गया? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी और 1/a पहले से था, जबकि ये जो यू अपॉन सी डेल्टा टी होता है, a डेल्टा टी जो होता है, ये हमारा किसके बराबर है? इंटेंसिटी के बराबर है ना। तो यही तो हो गया ना, एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। तो यू अपॉन ए डेल्टा टी ये पूरा इंटेंसिटी बन गया, तो ये हमारा रेडिएशन प्रेशर आ गया जिसका फॉर्मूला है आई बाई सी। सो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू आई अपॉन सी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक। उसको आप डिवाइड करोगे आपको रेडिएशन प्रेशर मिल जाएगा, ठीक। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, दैट इज द बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ द ईएम वेव्स। कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको आप कैसे लिखोगे, उसकी इक्वेशन कैसी होगी, उस पर बेस्ड हमारे पास ये देखो क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई नॉट, दैट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। कह रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो 120 है, फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज है। डिटरमाइन बी नॉट ओमेगा के और लेमडा, ये सारी चीजें आप हमें बताइए। देखो भाई यहां पर कॉन्सेप्ट बेटा होता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। यहां से प्यारे बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बिकम ई नॉट बाई सी, जिसमें ई नॉट हमारा कितना है 120, और सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸, ठीक। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे बन जाएगा 40, सो दिस विल बिकम 4 × 10⁻⁷, ये ऊपर जाएगा -8, तो ये बन जाएगा -7, ठीक है। ये वैल्यू आ गई बी नॉट की, ये। फिर हमसे बोला गया ओमेगा की वैल्यू बता दो भाई साहब, ठीक। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वहां से ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी, 2πf, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी हमारी 50 मेगाहर्ट्ज, तो हम लोग इसको रखेंगे 2π इंटू
50 मेगाहर्ट्ज़, तो ये आपका बन जाएगा 100 पाई मेगा, ठीक, और हर्ट्ज की जगह इसका यूनिट अब हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक। तो ये मेगा है मतलब 10 की पावर 6 है, तो ये टोटल बन गया 10 की पावर 8, सो दिस विल बिकम पाई इनटू 10 टू द पावर 8, ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। आपसे कह रहे हैं के की वैल्यू बता दो और लैम्डा की वैल्यू बता दो, तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हमें ओमेगा पता है, हमको एफ पता है, हमको सी पता है, तो इसी का यूज करके हम यहां से के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो सीधा सीधा फार्मूला है। पहले तो आप देखो बी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 4 × 10⁻⁷, ठीक। उसी चीज को यहां पर लिखा है 400 × 10⁻⁹, नैनो में कन्वर्ट कर लिया, नैनो टेस्ला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको हम अपने यूनिट में ही लिख सकते हैं जैसा हम लोगों ने निकाला, ठीक। हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू निकाला पाई इंटू 10⁸, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये देखो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3.14 × 10⁸, ठीक। अब हमसे कहा गया है कि आप के की वैल्यू निकाल दो, और के जो है वो सीधे सीधे हमारे पास फार्मूला होता है के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी, ठीक है, के जो है दैट इज ओमेगा अपॉन सी। तो ओमेगा की वैल्यू हमको पता है, सी की वैल्यू हमको पता है, डिवाइड करेंगे हमारे पास के आ जाएगा 1.05 रेडियन पर मीटर, ठीक। फिर वेवलेंथ अगर हमें निकालना है तो v बराबर f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी हमको पहले ही गिवन थी 50 मेगाहर्ट्ज, स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है, सॉल्व कर लेंगे, वेवलेंथ आ जाएगा 6 मीटर के बराबर। अब हमसे कह रहे हैं फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एक्सप्रेशन लिखो। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला है, उसका एक्सप्रेशन जो होता है किसी भी ईएम वेव में कितना, ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई बराबर E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। E नॉट यानी कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो कि क्वेश्चन में गिवन था 120, तो उसको 120 एज इट इज रखा गया। K की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, उसको रख दिया गया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 120 sin 1.05x − 3.14 × 10⁸ t, क्लियर। फिर आया एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन होता है, बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। देखो ये सब चीजें तो सेम रहती हैं, सिर्फ ई नॉट और बी नॉट चेंज होगा। तो बी नॉट का वैल्यू हम लोगों ने निकाला ही था, वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये 4 नैनो टेस्ला है, तो 4 × 10⁻⁷ आप रख सकते हो यहाँ पर, ठीक। ये हमारा इक्वेशन तो सेम आया, बस अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में और लिखने को बोल देते तो शायद थोड़ा और अच्छा रहता। तो वहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वेव z में जा रहा है, तो मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x में और मैग्नेटिक फील्ड आपका y में, कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन होगा, तो यहां पर आप लिखते e वेक्टर और इसमें आप लगा देते i कैप। सिमिलरली b वेक्टर लिखते, इसमें लगा देते j कैप, क्लियर। तब ये आपका वेक्टर के फॉर्म में प्यारे बच्चों कन्वर्ट हो जाता। अब अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सपोज दैट The electric field part of an electromagnetic wave is E is equal to 3.1 cos 1.8 y + 5.4 × 10⁶ t i cap, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। कह रहे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो y लगा हुआ है, ये y हमको बताता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन y एक्सिस के अलोंग है, तो y डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, ठीक। व्हाट इज द वेवलेंथ, अगर हमको वेवलेंथ निकालना है तो आप चेक कर लो अपने को क्या क्या पता है। पहली बात ये क्या होता है ओमेगा, और y के साथ क्या होता है k। अगर आपको k पता है, आपको ओमेगा पता है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वहां से हमको वेवलेंथ मिल जाएगा, वेवलेंथ आपको सीधे सीधे k से ही मिल सकता है ना। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपको शो कर दे रहा हूं, सबसे पहली बात किधर की तरफ जा रहा है, y एक्सिस में, y डायरेक्शन में। k की वैल्यू अपने को पता है, ठीक, ओमेगा हम लोग को पता था, लैम्डा जो होता है हमने कहा ना लैम्डा से, यानी कि k से ही हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू 2π/λ, ठीक। वहां से आया लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k, तो 2π/k यानी 1.8, सॉल्व किया वैल्यू आ गई 3.491 मीटर, ठीक। तो ये रफली 3.5 मीटर इसका आ गया वेवलेंथ। फिर हमसे क्या बोला गया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो v बराबर f लैम्डा, भाई हमको यहां से देखो 2 पाई f
ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी पता है ठीक, और वेवलेंथ हमने निकाल ही लिया, तो वी बराबर एफ लैम्डा, तो फिलहाल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं वो आप यहीं से निकाल लो ठीक। फिर व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, कह रहे हैं कि बी नॉट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो सिंपल है ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी ठीक है। देखो भाई कैलकुलेशन को, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, यहां से फ्रीक्वेंसी निकालो आ जाएगी इतनी ठीक। फिर E नॉट अपॉन B नॉट बराबर C, इसको यूज करो तो B नॉट की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी है 1.03 into 10 to the power minus 8 टेस्ला। बड़े आसान है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इजी होते हैं इसमें ठीक। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखो, तो B बराबर B नॉट cos, ये सब तो सेम रहेगा, बस यहां पर ध्यान देना क्योंकि यहां पर क्या है आई कैप, आई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, वाई लिखा है मतलब वेव वाई में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बचा जेड यानी कि के कैप, तो आपको वहां पर बस ये ध्यान देना होगा सब कुछ ये रहेगा सेम, बस यहां पर चेंज हो जाएगा के कैप और बी नॉट की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है वो हम यहां पर रखेंगे। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये सारा समझ में आ गया होगा ठीक है। आते हैं अपने कुछ सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसोइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻¹⁰ हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी पता है, एम्पलीट्यूड ऑफ 48 वोल्ट पर मीटर, तो हमको एम्पलीट्यूड भी पता है। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, देखो भाई फ्रीक्वेंसी आपको अगर पता है और आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है तो v बराबर f लैम्डा, v हमको पता है 3 × 10⁻¹⁸, फ्रीक्वेंसी हमको पता है, वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आ जाएगा अगर हमको, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एम्पलीट्यूड पता है तो ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी, अभी इस पर बेस्ड हम लोगों ने और भी कई क्वेश्चन किए थे है ना, तो देखो सीधे सीधे v बराबर ये v है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो लैम्डा बराबर v बाई f, तो ये देखो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व कर लेंगे 1.5 × 10⁻²⁰ मीटर आ जाएगा ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो e नॉट बाई c, इसको सीधे सीधे यूज करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू एज 1.6 × 10⁻⁷ टेस्ला ठीक। फिर आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं गिवन बिलो आर सम फेमस नंबर्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स इन फिजिक्स, कह रहे हैं कुछ नंबर्स दिए हैं जैसे देखो 21 सेंटीमीटर है, 1057 मेगाहर्ट्ज है, 2.7 केल्विन है एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स दिए हैं और हमसे कह रहे हैं स्टेट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच ईच बिलोंग्स, कह रहे हैं ये जो हर एक जो है बताओ ये किस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से, किस तरह की ईएम वेव से ये मैच करता है या रिलेट करता है। सबसे पहली चीज हमको दिया गया है 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस, ठीक है कह रहे हैं कि अगर 21 सेंटीमीटर ये वेवलेंथ अगर हमको दिया जाए तो ये क्या है, तो देखो भाई ये जो वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर है इट इज करेस्पॉन्डिंग टू रेडियो वेव्स, ये आपको लर्न करना होगा ये किसके करेस्पॉन्डिंग है, रेडियो वेव्स के, क्योंकि वेवलेंथ का जो रेंज है वो 21 सेंटीमीटर है, काफी ज्यादा है, तो वो किसका होता है रेडियो वेव्स का होता है। फिर कह रहे हैं 1057 मेगाहर्ट्ज, ठीक दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अराइजिंग फ्रॉम टू क्लोज एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन Known as lamp shift, ठीक तो कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन में जो दो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आता है वो है 1057 मेगाहर्ट्ज, तो ये किससे करिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज अगेन फॉर रेडियो वेव्स, क्योंकि ये क्या है शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रेडियो वेव से रिलेटेड है। फिर हमको यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है 2.7 केल्विन, That is the temperature associated with isotropic radiation filling all space thought to be relic of Big Bang, origin of the universe. देखो ये Big Bang theory से related है, फिलहाल 2.7 Kelvin अगर हमें पता है तो यहां से आप wavelength निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये देखो Wien's displacement law का formula है, lambda m into t is equal to constant, और वो constant कितना होता है 0.29 centimeter Kelvin, ठीक
तो ये वैल्यू आ जाती है लैम्डा एम की 0.29 डिवाइडेड बाई 2.7, सॉल्व करोगे 0.11 सेंटीमीटर। और ये जो वेवलेंथ है ये किसकी है, ये माइक्रोवेव रीजन की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, देखो कुल मिला के अगर आप लोगों ने ध्यान से सारे क्वेश्चंस को समझा होगा तो आपको पता चल गया होगा इस चैप्टर के लिए वो जो पूरा टेबल है, वो टेबल को कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला देखो क्वेश्चन क्या है, 5890 एंगस्ट्रॉम टू 5896 एंगस्ट्रॉम डबल लाइंस ऑफ सोडियम। ठीक, तो ये जो है ये विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक, तो ये विजिबल का हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन 5357 Fe न्यूक्लियस एसोसिएटेड विद फेमस हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। देखो यहां पर क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी है हमें उससे मतलब नहीं है ज्यादा। 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किससे करेस्पॉन्ड करेगी, तो पहले तो आप ये समझो किलो है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना 1.6 × 10⁻¹⁹ उससे मल्टीप्लाई करो तो ये जूल में आ जाएगा। अब अगर आपको एनर्जी पता है ई बराबर एच म्यू तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.67 × 10⁻¹⁴। ठीक, तो 6.6 × 10⁻¹⁴ जूल सेकंड, इसको यूज करो, सॉल्व करो, फ्रीक्वेंसी का रेंज आया। अब इस रेंज को मैच करो कि किससे मैच कर रही है, किस रेंज में आ रही है, तो ये हमारी एक्सरे के रीजन में आ रही है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्सरे पार्ट की है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी स्पेक्ट्रम का है। ठीक है, सो आई होप गाइस ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चंस लगभग मैंने शॉर्ट और लॉन्ग जितने थे ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं। आप सभी लोग फुल ऑन प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बहुत जल्द हम लोग आएंगे अपने सेकेंड वीडियो के साथ यानी कि अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग का होमवर्क है कि आप उस चैप्टर का कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट आप पूरा रिवाइज कर लीजिए और फिर मैं आपको उसके न्यूमेरिकल समझाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस।